मैं इस मौके पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त हैं और बिजली का जो शदीद बहरान है, इस बहरान ने पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान के आम फर्द सबको बर्बाद करके रख दिया है। महंगे बिजली के बिल और फिर जो ताजिर दोस्त के नाम से ताजिर दुश्मन स्कीमें हुकूमत मुतारिफ करवा रही है, जालिमाना टैक्स का निज़ाम लगा रही है। टैक्स देने पर किसी को एतराज नहीं है, हम सब ताजिरों से भी ये बात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब में इस पर इत्तेफाक मौजूद है कि टैक्स नेट भी बढ़ना चाहिए और जो मुनासिब टैक्स है वो लगना चाहिए। लेकिन इस तरह की स्कीमें जो मार्केटों को आइडेंटिफाई करें, किसी को 60,000, किसी को 40,000, किसी को 30,000 माहाना, चाहे उसका कारोबार जैसा भी हो अदायगी करनी पड़े, तो ये टैक्स तो कबूल नहीं किया जाएगा। लिहाजा बिजली की कीमतों में हम कमी इसलिए चाहते हैं कि जो लागत है बिजली की उसके मुताबिक बिल होना चाहिए। या IPPs को हम नहीं पाल सकते, जो IPPs खुद हुकूमत शरीफ खानदान की IPPs इसमें मौजूद है, उनके पसंदीदा लोगों की IPPs मौजूद है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि शरीफ खानदान और मंशा ग्रुप और उनके करीब तरीन ये जो दो चार ग्रुप हैं जिनकी IPPs की कैपेसिटी पेमेंट सैकड़ों अरब रुपए सालाना बनती है, ये सिर्फ वो कैपेसिटी पेमेंट लेना छोड़ दें तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमत आधी हो जाएगी। लेकिन अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, आवाम के ऊपर जुल्म करेंगे, हम इनके बोझ को ढोएं ये नहीं हो सकता। लिहाजा हमारी ये तहरीक, हम तो आवाम को तहरीक, आगे बढ़ रही है और कल 28 अगस्त को बरोज़ बुध तारीखी हड़ताल होगी पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला। और आज मैं लाहौर के ताजरों के साथ और कारोबारी तबके के साथ मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल यकजहती यहाँ मौजूद है। और लाहौर ज़ाहिर है पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान जिंदा दिलाने लाहौर इंशाअल्लाह यकजहती का मुजाहरा करेंगे। और हुकूमत के लोग जो बाज़ोकात ये बात करते हैं कि देखें मईशत को नुकसान हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा, तो कारोबार तो आपने बंद कर ही दिया है हमारा। बताइए कि इस तरह के टैक्सों पे कौन कारोबार करेगा, इस तरह के बिजली के बिलों पर कैसे सनतें चलेंगी। रोजाना सनतें बंद हो रही हैं, पुरानी पुरानी 40-40 साल पुराना पुरानी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और लाखों नहीं मिलियंस की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो मईशत का पहिया तो खुद हुकूमत ने बंद कर दिया है, मईशत तो खुद हुकूमत तबाह कर रही है। लिहाजा एक दिन की इस तरह की जो कोशिश है, ये कोशिश इंशाल्लाह हुकूमत पे वो दबाव डालेगी जिसमें उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, कल की हड़ताल इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर चित्राल तक और पूरे चारों सूबों की इसमें आप देखेंगे कि नुमाइंदगी होगी, भरपूर हड़ताल होगी। और इस हड़ताल के बाद हम ताजिरों के साथ मुशावरत करेंगे कि अगर हुकूमत हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती, रिलीफ नहीं देती, तो फिर हड़ताल का यह सिलसिला मजीद कितना आगे बढ़ाना है। बात एक हड़ताल की नहीं है, बात मसले के हल की है और इस मसले को हल होना चाहिए। हुकूमत को यह ख्याल आया कि अब वो ताजिरों से मुलाकात करें और अब वो ये काम करेंगे कि अपनी पसंद के चंद ताजिर सामने लाकर खड़ा करने की रिलीफ मिलने वाला है, लिहाजा कल की हड़ताल ना की जाए। वैसे तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि इस वक्त कोई ताजिर तंजीम, कोई ग्रुप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो हुकूमत के साथ खड़ा हो और आवाम के खिलाफ और ताजरों के खिलाफ खड़ा हो। और जो भी खड़ा होगा, मैं ताजिर बरादरी से कहता हूं कि आप लोगों को जो काम करना है वो वही है जो पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के आवाम के हक में है, ताजरों के हक में है, सनतकारों के हक में है। आप किसी भी हुकूमती साजिश से जो है वो अपनी इस पूरी जिद्दोजहद को सबूताज नहीं होने देंगे। कल हर सूरत में हड़ताल होगी इंशाअल्लाह ताला, भरपूर हड़ताल होगी और उसके बाद हम कल ही आइंदा के लिए अमल पर मुशावरत भी करेंगे। हक दो आवाम को तहरीक अभी रुकने वाली नहीं है। हुकूमत ने जो भी मुआहदा किया उसमें उन्होंने एक सूबे में अगर 2 महीने के लिए रिलीफ दिया है तो वो भी इसलिए कि एक अवामी प्रेशर है जिसकी वजह से इन्हें ये काम करना पड़ा। लेकिन ये पीनट है, ये मसले का हल नहीं है। जब आप ये काम कर सकते हैं तो मैंने तो आपको सीधा फार्मूला बताया है कि खुद अपनी IPP के ऊपर तो जाएं, अपनी मराहत तो कम करें, अपनी गाड़ियां तो छोटी करें, अपने फ्री पेट्रोल तो खत्म करें, बड़े जागीरदारों पे टैक्स लगाएं, खुद ब खुद बिजली की कीमत कम होगी। और जब बिजली की कीमत कम होगी तो पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलने लगेगा। इसलिए जो खुद सबसे बड़ी रुकावट है वो हुक्मरान तबका है, यह रुकावट उन्हें दूर करनी होगी। हमारे पास, हमने बेशुमार
उनसे गुफ्तगु भी की है और तजावीज भी की है, लेकिन ये तजावीज जेन्युइन तजावीज सुनने वाले लोग नहीं है। इनके खिलाफ डटकर खड़ा होना पड़ेगा, मुजाहमत करनी पड़ेगी, पुरमन रहना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि कल की हड़ताल रजाकाराना होगी, पुरमन होगी, और पुरमन सियासी मुजाहमत इंशाल्लाह हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का।